फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन लाई हूँ, खूबसूरत सा। देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर आप इसको कहीं भी बना सकते हो और आप चाहे तो उसको बॉर्डर के रूप में भी लगा सकते हो, बॉर्डर में भी आप नीचे लगा सकते हो। बेबीज फ्रॉक में बहुत प्यारा ये लगता है, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में बहुत ही प्यारा ये लगता है। देखिए, उभर के आता है ये डिजाइन, पिजन की शेप में वैसे ये लगता है, जिस वजह से बहुत ही खूबसूरत ये दिखता है। ये देखिए, आप बनाओगे उसको तो आपको आपको खुद इसका पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल से डिजाइन को बनाना। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। इसको बनाने के लिए आपने 4 के मल्टीपल में स्टिच लगा लेनी है, 4 से गुणा करके आपने फंदे लगाने हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 28 स्टिचेस लगाए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसको रोवन से स्टार्ट करेंगे। हमारी रोवन है राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए, पहला फंदा तो हम ऐसे ही उल्टा पकड़ेंगे, उसके बाद हम आगे वाले 3 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। एक हो गया, 2 और ये 3, इस तरह से। फिर हम धागे को यूं घुमाएंगे, जाली हम यहाँ पर डाल रहे हैं और उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक हो गया, 2, 3 और ये 4, इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर धागे को घुमाएंगे, 4 फंदे के बाद हम ये जाली डाल रहे हैं। एक हो गया, 2, 3 और ये 4, और फिर से यहाँ पर हम जाली डालेंगे, फिर से धागे को यहाँ पर घुमाएंगे। और इस पूरी रो में आपने यही करते जाना है, 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उसके बाद एक फंदे को हम घुमाएंगे, जाली डाल के एक फंदा बढ़ाएंगे। 3 हो गया और ये 4। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हम जाली डालेंगे। इसी तरह से आपने पूरी रो में करना है और लास्ट के 4 फंदे भी आपने उल्टे बना लेने हैं रो 1 राइट साइड से। रो 2 में रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर देखिए, जो फंदे 4 हमने यहाँ पर उल्टे बनाए वो रो 2 में रॉन्ग साइड से हम सीधे बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये 4 फंदे हम शुरू के पहले सीधे बनाएंगे, 2 हो गया, 3 और ये 4, इस तरह से 4 फंदे हमने ये सीधे बना लिए। अब धागे को अपनी तरफ लाके ये जो जाली वाला फंदा हमने जिसमें जाली हमने डाली थी वो हम उल्टा बनाएंगे, उसको एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे जाली वाला और बाकी 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे रो 2 में रॉन्ग साइड से। 4 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, वो फंदा हमने उल्टा बनाना है जो हमारा जो हमने जाली डाल के एक फंदा बड़ा था वो हमने उल्टा बनाना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी रो में करते जाना है, 4 फंदे सीधे बनाएंगे और एक फंदा उल्टा और लास्ट के 4 फंदे भी आपने सीधे बना लेने हैं। आ जाइए रो 3 में राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हम शुरू के 4 फंदे यहाँ पर उल्टे ही बनाएंगे, एक फंदा ऐसे स्लिप किया, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 2 हो गया और ये 3, इस एज स्टिच के साथ हम 4 फंदे ही उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, धागे को हम पीछे ले जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास ये जाली वाले 4 फंदे नहीं हो जाते। अब इसको हम सीधा बनाएंगे जो जाली डाल के पहली रो में हमारा फंदा बड़ा था, और धागा आगे लाकर 4 फंदे फिर से उल्टे। इस पूरी रो में आपने यही करते जाना है, 4 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे और उसके बाद हम धागे को पीछे ले जाकर उसको यूं घुमाएंगे और यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर से धागा आगे लाकर 4 फंदे उल्टे। यही आपने इस पूरी रो में करते जाना है और लास्ट के 4 फंदे भी आपने उल्टे बना लेने हैं इस रो 3 में राइट साइड से। अब आ जाइए रो 4 में रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला फंदा ऐसे ही सीधा पकड़ेंगे और उसके बाद 3 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, वो फंदे जो हमने पिछली रो में उल्टे बनाए थे वो हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे और धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ पर जो जाली वाले फंदे हमारे बढ़ रहे हैं वो हम रॉन्ग साइड से उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे हमारे बड़े हैं तो 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे ले जाकर 4 फंदे
सीधे। और इस पूरी रो में हम यही करते जाएंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये दो फंदे हम वो उल्टे बनाएंगे जो हमारे जाली डालकर बड़े हैं। इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है और लास्ट के चार फंदे भी आपने सीधे बना लेने हैं। अब आ जाइए रो फाइव में राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए पहला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर से हम यहाँ पर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक हो गया, दो और ये तीन, इस तरह से। और फिर से हम धागे को पीछे ले जाकर यहाँ पर फिर से एक फंदा जाली डालते हुए बढ़ाएंगे और दो फंदे ये जो जाली डाल के बड़े हैं हमारे ये हम सीधे बनाएंगे सीधी तरफ से, और धागे को अपनी तरफ लाके चार फंदे फिर से उल्टे। ये चार फंदे बीच के हमारे उल्टे पड़ रहे हैं और बाकी हम जो जाली डाल के फंदे बढ़ा रहे हैं वो हम सीधे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो में करते जाएंगे, दो फंदे सीधे और चार फंदे उल्टे। चार फंदे के बाद हम जाली डालेंगे और उसके बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरह से आपने पूरी रो में करते जाना है ऐसे देखिए, और लास्ट के चार फंदे भी आपने उल्टे बना लेने हैं। अब आ जाइए रो सिक्स में रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही सीधा उतारेंगे और उसके बाद यहाँ पर तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से, और धागे को अपनी तरफ लाकर अब यहाँ पर देखिए तीन फंदे हमारे ये जाली डालकर बढ़ गए हैं तो ये हम उल्टे बनाएंगे। चार फंदे सीधे बनाएंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। तीन फंदे वो उल्टे बनाएंगे जो हमने जाली डालकर हमारे बड़े थे। तो इसी तरह से हम पूरी रो में करते जाएंगे और लास्ट के चार फंदे भी आपने सीधे बना लेने हैं, चार फंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे। अब आ जाइए रो सेवन पर राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही उल्टा पकड़ेंगे और उसके बाद तीन फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर फिर से हम धागे को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम जाली डालेंगे। ये हम लास्ट बार यहाँ पर जाली डाल रहे हैं, यहाँ इसके बाद हमारे पूरे चार फंदे ये हो जाएंगे। तो ये तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे अब जो जाली डाल के हमारे बड़े हैं, उसके बाद धागा आगे लाकर चार फंदे फिर से उल्टे, दो हो गया, तीन और ये चार, फिर से धागा पीछे ले जाकर यहाँ पर जाली डालेंगे और तीन फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। इस पूरी रो में हम यही करते जाएंगे और लास्ट के चार फंदे भी आपने उल्टे बना लेने। बहुत ही सिंपल सा ये डिजाइन है और प्यारा बहुत लगता है, आप ट्राई करके देखोगे तो आपको खुद इसका पता चल जाएगा। और अगर आप बेबी फ्रॉक इसकी बनाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बॉर्डर में आप बनाओगे तभी बहुत प्रिटी लगेगा। लेडी स्वेटर, कार्डिगन, किस पे भी आप बना सकते हो, बच्चों की स्वेटर, बहुत ही प्यारा ये सब में लगेगा। अब आ जाइए रो एट में आठवीं रो में रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर चार फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से, दो हो गया, तीन और ये चार, ये चार फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये चार फंदे हमारे जाली डालकर यहाँ पर बढ़ गए हैं वो हम उल्टे बनाएंगे। तो इस पूरी रो में हम यही करेंगे, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये चार फंदे हम सीधे बनाएंगे और उसके बाद जो जाली डालकर हमारे चार फंदे बड़े हैं वो हम उल्टे बनाएंगे। तो यही हम इस पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, चार फंदे सीधे और चार उल्टे, और लास्ट के चार फंदे भी आपने सीधे बना लेने हैं। अब आ जाइए रो नाइन पे राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए ये डिजाइन हमारा आना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ये देखिए दिखना भी स्टार्ट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पर पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और उसके बाद आगे वाले तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस रो नाइन में इस तरह से, ये हमने उल्टे बना लिए। और अब हम ये जाली वाले फंदे चार सीधे बनाएंगे। इस पूरी रो में हम यही करते जाएंगे, चार फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे, सीधे वो बनाएंगे जो जाली डालकर हमारे बड़े हैं। इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है और लास्ट के चार फंदे भी आपने उल्टे बना लेने हैं।
और रो 10 आपने आगे वाली रॉन्ग साइड से जो रो 10 हमारी पड़ेगी वो आपने पूरी रो 8 की तरह बनानी है। जैसे हमने आठवीं रो बनाई वैसे ही हम रो 10वीं भी बनाएंगे। तो मैं ये दो रो आपको कंप्लीट करके आगे की रो बताती हूँ, रो 11। अब आ जाइए रो 11 पर राइट साइड से। अब इस रो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखिए पहला फंदा तो हम ऐसे ही उल्टा उतारेंगे और उसके बाद दो फंदे यहां पर उल्टे बनाएंगे। एक हो गया और ये दो फंदे हमने यहां पर उल्टे बना लिए। अब आगे वाले देखिए यहां पर एक ये फंदा जो हमारा उल्टा फंदा है और उसके बाद चार ये सीधे फंदे, इनको हम यूं पकड़ेंगे इस तरह से और सिलाई को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और इनको हमने पहले तो हमने धागा पीछे की तरफ ले जाना है इस तरह से और ये पांच फंदे हमने पांच का एक फंदा हमने यहां पर बनाना है इस तरह से पीछे की तरफ से ये पांच का एक फंदा हमने ये बनाना है इस तरह से और आपने इसको अब छोड़ देना है। ये हमारे वापिस से यहां पर 28 फंदे हो जाएंगे जो भी हमारे जाली डालकर बड़े थे। अब धागा आगे लाना है, फिर से तीन फंदे हमने यहां पर उल्टे बनाने हैं। एक हो गया, दो और ये तीन, और धागा पीछे ले जाकर अब ये आगे वाले पांच फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। ये हमने पीछे की तरफ से पांच फंदे का एक फंदा बनाना है इस तरह से, देखिए। और इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है। तीन फंदे उल्टे और पांच फंदे आपने इकट्ठे बनाने हैं सीधे पीछे की तरफ से, पांच का एक फंदा आपने बनाना है। एक बार फिर से यहां पर देख लीजिए, इस तरह से हम ये नीडल को डालेंगे पीछे की तरफ से यूं और इसमें पांच का एक फंदा हम यहां पर बनाएंगे। इसी तरह से आपने भी पूरी रो में करते जाना है और आगे वाली रो आपने रो 12 सीधी बनानी है। रॉन्ग साइड से पूरी रो हमने सीधी बनानी है। अब इस तरह से देखिए रो 12 मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है, पूरी रो हमने सीधी ही बनानी है और इस तरह से देखिए हमारा डिजाइन यहां पर आ गया है। अब आ जाइए रो 13 पर। रो 13 आपने पूरी सीधी बनानी है राइट साइड से और रो 14 भी आपने पूरी सीधी बनानी है रॉन्ग साइड से। पूरे फंदे आपने सीधे ही यहां पर बनाने हैं। तो मैं ये दो रो आपको कंप्लीट करके बताती हूं, रो 13 और 14। अब इस तरह से देखिए रो 13 और 14 मैंने यहां पर कंप्लीट कर ली है, दोनों रो हमने सीधी ही बनानी है और इस तरह से हमारा ये डिजाइन यहां पर आ गया है। तो अब आपने रो 1 से लेकर रो 14 तक कंटिन्यू करना है जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। तो चलिए आप भी बनाइए इस ब्यूटीफुल से डिजाइन को और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा।